IVM. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, I mean, like, we'll do a random drawing of like maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आईपीएल सीजन 15 में अब तक 5 मुकाबले हो चुके हैं, यानी कि सभी की सभी 10 टीमें मैदान पर उतर चुकी हैं और इन सभी 10 टीमों ने अपनी अपनी ताकत और अपनी अपनी कमजोरियों का एहसास करा दिया है। आज हम पहले 5 मुकाबलों का रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कौन सी टीम सबसे ज्यादा बेहतर बैलेंस के साथ मैदान पर उतरी है। हालांकि अभी कुछ टीमों के विदेशी खिलाड़ी आना बाकी है, यानी कि ओवरसीज खिलाड़ियों का इंतजार है इन खिलाड़ियों को। लेकिन जो पहली झलक मिली है हमें क्रिकेट के मैदान पर, उस पहली झलक पे बात करेंगे। हमारे साथ अयाज मेमन सर है, वरिष्ठ पत्रकार, इनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही राजकुमार शर्मा जी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और आज चर्चा इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गंभीर है, क्योंकि आईपीएल सीजन 15 के जो पहले 5 मुकाबले हैं उससे क्या हमें दिशा नजर आ रही है, एक रास्ता नजर आ रहा है जो आईपीएल ट्रॉफी तक यानी अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। कौन सी टीम है जो इस रास्ते पर आगे बढ़ती नजर आ रही है और कौन सी टीम है जो थोड़ा ठहराव के साथ आगे बढ़ेंगी, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आया सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर। तमाम हमारे जो दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल आया सर जेहन में यही आता कि अभी तक जो हमने 5 मुकाबले देखे, यानी कि सभी की सभी 10 टीमें मैदान पर उतर चुकी हैं, अपने अपने एक मैच खेल चुके हैं, वो कैसे आप एसेस करते हैं पहले 5 मैचों को? मेरे ख्याल से बहुत ही क्लोज मैचेस हुए हैं और खासकर खासियत ये रही है रन चेस जिस तरह से किया है या रन सेट भी किया है। कल हमने देखा राजस्थान, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस राजस्थान का था। उससे पहले पंजाब ने जिस तरह से 200 से ज्यादा रन चेस किए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ, केकेआर ने चेन्नई को हराया, यानी बड़ी टीम है जो मुंबई इंडियंस हार गई दिल्ली से, बड़ी टीम जो है वो अपसेट हुई है। और ज्यादातर जो नजर में आ रहा है अब तक के जो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, जिनको इम्पैक्ट के लिए लिया गया था, वो उसी तरह खेल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है जो टीम, क्योंकि ऑक्शन में ऐसा लग रहा था कि शायद कोई गलत चॉइसेस हो गई होगी या कोई अच्छे प्लेयर नहीं पिक किए होंगे, लेकिन अब तक ये समझ में आ रहा है जो 5 मैचेस हुई और ये बहुत अर्ली स्टेजेस है कि जो इम्पैक्ट प्लेयर्स माने जाते थे वो कुछ हद तक इम्पैक्ट कर रहे हैं। और जो टीम्स सिर्फ अपने पुराने खिलाड़ियों पे या नए पुराने टेम्पलेट पे डिपेंड कर रही थी, वहां पर उन्हें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। जी आया सर, क्योंकि अभी जो 5 मुकाबले हुए में सबसे कमजोर सनराइजर्स हैदराबाद नजर आई, जिस तरह का उनका बैटिंग था, जिस तरह का बॉलिंग था, हरजैन तो कह रहे हैं कि सबसे वीक जो साइड है वो आईपीएल की इस सीजन की एसआरएच नजर आ रही है, ये उनका कहना है, उनके जहन में ये है। और भी तमाम कमेंट्स हम लेते चलेंगे। ये भी कहा गया कि एब्सोल्युटली पैथेटिक बैटिंग एंड बॉलिंग बाय एसआरएच, बिखरी हुई टीम क्यों लग रही थी एसआरएच सर? क्योंकि सामने राजस्थान रॉयल्स इस बार मुझे लग रहा है अगर टॉप 3 टीमें देखें तो सबसे ज्यादा बेहतर बॉलिंग अटैक उनके पास है। बेशक मेरे ख्याल से राजस्थान की टीम में बहुत बैलेंस है, बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए, बॉलिंग जो है उनके पास अच्छी। आरसीपी जैसे हमने देखा 200 बनाने के बावजूद हार गई, 205 बनाने के बाद, और उसकी वजह एक ही थी कि बॉलिंग जो थी अप टू द मार्क नहीं थी। हालांकि सिराज, हर्षल पटेल हसरंगा थे उसके बावजूद। जहां तक सनराइजर्स हैदराबाद का सवाल है, बिल्कुल सही कहा आपने राजीव, ऐसे लग रहा है कि टीम बनी नहीं, एकजुट नहीं हुई है। हालांकि विलियमसन की वापसी हुई, वो कुछ खास नहीं कर पाए, जिसपे बड़ा दावा लगाया था उन्होंने ऑक्शन में, निकोलस पूरन, वो तो ऐसा लग रहा था कि फ्रेंच क्रिकेट खेल रहे हैं, ये T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे, क्योंकि बल्ला गेंद से जो है वो लग ही नहीं रहा था, बीट हो रहे थे लगातार। और अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद को कॉम्पिटिशन में रहने के लिए। एक ही मुझे लगता है कि एक इम्प्रेसिव अगर परफॉर्मेंस था वो कुछ हद तक उमरान मलिक की गेंदबाजी थी, कि उन्होंने पेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, 2 विकेट भी निकाले और अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन अगर आपके पास सपाट पिचेस हो तो ऐसे बॉलर्स जो है वो रन के लिए भी मारे जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कुछ या तो नई तरकीब लानी पड़ेगी या प्लेयर्स को कुछ इस तरह से मोटिवेट करना पड़ेगा कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कम अज कम मेरे ख्याल से 50-60% इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। लेकिन आया सर, अगर हम ओवरऑल जो 5 दिन का हम एनालिसिस कर रहे हैं हर टीम का लगभग, अब मेरे पास जो मैसेज आया है कि अगर हम पहले 5 मैचों का एनालिसिस करें
तो हर्ष जैन का कहना है कि हर आदमी के अपने अपने यहाँ पे पॉइंट्स हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब सबसे स्ट्रॉन्ग टीम बन के आई है, कोई राजस्थान रॉयल्स कह रहा है। आपकी नजर में कौन सी टीम सबसे स्ट्रॉन्ग लग रही है? अगर आप ये पहले तीन चार दिन का मैचेस देख रहे थे इसका, इससे नजर डाले मैचेस पर, तो मेरे ख्याल से जिस तरह से पंजाब ने रन चेस किया वो बताता है कि उनकी बैटिंग या टॉप ऑर्डर में बहुत दम है। और राजस्थान ने भी जिस तरह से बैटिंग की, उनके भी टॉप ऑर्डर अगर बटलर और सैमसन दोनों ही चलते हैं तो बहुत ही मजबूत हो जाती है बैटिंग। ना भूले उनके पास यशस्वी जायसवाल जैसे भी हिटर्स है। तो ये अब तक ऐसे लग रहा है कि बैटिंग में जिसका बल्ला चल रहा है जिस टीम का, वो ऑन टॉप रही है। अब जैसे ही टूर्नामेंट आगे चलता है, कुछ वेयर एंड टेयर होगी पिचेस में, कुछ तरकीबें बदलेगी, कुछ टैक्टिक्स बदलेगी। जब गेंदबाज भी अगर इक्वेशन में आते हैं तब ये बैट्समैन किस तरह से कोप करते हैं, ये असली जो टूर्नामेंट है मेरे ख्याल से तब से शुरू होगा। और मुझे लगता है कि ये आने वाले वीकेंड पे जो मैचेस होगी उसमें अपने को हमको एक क्लियर आइडिया मिलेगी कि कौन सी टीम जो है आगे निकल रही है। जैसे कि कल आप सनराइजर्स हैदराबाद की अगर देख लें अप्रोच, तो ना सिर्फ बहुत ज्यादा रन दिए, विकेट्स भी बहुत खोए, और जब बैटिंग करने आए तो कोई नेट रन रेट बढ़ाने की कोशिश भी ज्यादा नहीं थी। इतने लंबे टूर्नामेंट में नेट रन रेट बहुत ही मायने रखेगा। तो दोनों ही चीज, मैच तो जीतना ही है आपको, अगर मैच जही नहीं जीत सकते हो तो नेट रन रेट पे एक नजर रखना बहुत ही जरूरी है। कसार साहब का एक सवाल है, राजकुमार सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार सर गुड मॉर्निंग। हम आज चर्चा कर रहे हैं पहले पांच जो मैच हुए हैं अभी तक, यानी कि 10 की 10 टीमें मैदान पर उतर चुकी हैं और हर टीम की अपनी ताकत और अपनी कमजोरी नजर आई है। ऐसे में एक तो बड़े ढेर सारे सवाल आ रहे हैं, इसमें कसार साहब का एक सवाल है वो ले लेते हैं आपसे पहले। राजकुमार सर उनका कहना है कि पंजाब और राजस्थान रॉयल्स इस सीजन में क्या तमाम बड़ी टीमों को सरप्राइज कर सकती हैं और प्लेऑफ के लिए वो क्वालिफाई कर सकती हैं? अरे राजीव, बिल्कुल मैं कसार साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूं और मेरा भी यही मानना है कि ये दोनों टीमें बहुत स्ट्रांग लग रही हैं इस बार, और जिस तरह की फॉर्मेशन है इन टीमों की तो मुझे लगता है कि काफी इम्पैक्ट वाले प्लेयर हैं इनमें हर टीम में, इन दोनों टीमों में कम से कम 3 से 4 मैच विनर्स हैं जो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं, और ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है दोनों टीमों का। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कसार साहब के साथ और बहुत मैं अप्रिशिएट करूंगा उनकी नॉलेज को कि उन्होंने ये एसेस करके ये दोनों टीमें बताई हैं जो किसी भी टीम को सरप्राइज कर सकती हैं और प्लेऑफ में अपनी जगह बना सकती हैं। क्योंकि बहुत फ्लैट ट्रैक्स में मुकाबले हो रहे हैं यार सर, मेरे लिए तो राजस्थान रॉयल्स पहले 5 मुकाबलों में सबसे बड़ी टीम इसलिए लग रही है कि पहले बैटिंग करके उन्होंने मैच जीता। इससे पहले जो 4 मैचेस हुए थे सबने रन चेस करके जीता था, तो मेरे लिए राजस्थान रॉयल्स को एक एडेड पॉइंट मैं इसलिए दे रहा हूं। और दूसरा, जिस तरह की गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा ने और ट्रेंट बोल्ट ने की, उन्होंने बहुत बड़ा फर्क डाल दिया पहले 6 ओवर में। और यहाँ पर संजू सैमसन की तारीफ एज अ बैट्समैन तो है, कप्तानी बहुत अच्छी की उन्होंने, दोनों ही गेंदबाजों को 3-3 ओवर कराया, उनको लगा कि विकेट निकल रहे हैं तो प्रेशर बना के रखे। ये अच्छा साइन था एक राजस्थान रॉयल्स के लिए। जी हाँ, बहुत। और यहाँ पर एक्नॉलेज करना पड़ेगा फ्रेंचाइज को भी कि उन्होंने जिम्मेदारी दी है संजू सैमसन को। बहुत क्रिटिसिज्म होता है संजू के खिलाफ कि वो बैटिंग में विकेट फेंक के चले जाते हैं, कैप्टनसी में शायद इतने सीरियस नहीं है, पिछले साल ये क्रिटिसिज्म था। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही होनहार यंग प्लेयर है और जब उनका बल्ला चलता है तो उनसे बेहतर शायद शायद ही कोई मैच विनिंग बैट्समैन। और ना भूले राजीव, इस साल जो वर्ल्ड कप होगा T20 का, वो खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया में जहां बाउंस ज्यादा है पिचेस में, और ऐसा बल्लेबाज जो कट अच्छा करता है, हुक और पुल अच्छा करता है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, मैं एक और टीम की बात करूंगा, वो है गुजरात टाइटंस। जिस तरह से मोहम्मद शमी ने वहां पर लखनऊ के खिलाफ गेंदबाजी की, पहले स्पेल में 3 विकेट निकाल लिए तो वहीं पर मैच एक तरह से जीत ली, और उनके पास राशिद खान भी है। अगर शमी कंसिस्टेंट रहे पूरे सीजन में, राशिद तो हमेशा रहते ही है, तो ये टीम जो है काफी मजबूत नजर आ रही है मुझे। बिल्कुल, सनराइजर्स हैदराबाद जिस तरह से खेली है उनको बहुत वीक टीम बताया जा रहा है राजकुमार सर, और खासतौर से केन विलियमसन जिस तरह कप्तानी कर रहे थे और जिस तरह से वो टीम को लेके चल रहे हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरह की टीम कॉम्बिनेशन बनाया गया, ये क्या सिर्फ पार्टिसिपेट करने वाली टीम लग रही है, ये कंपटीशन देने वाली टीम कहीं से नहीं लगी है? राजीव, अभी एक ही मैच हुआ है और ये जल्दबाजी होगी कहना कि सरेज बिल्कुल। अरे मैं तो पिछले कई मैच देखे राजकुमार सर, पिछले सीजन में भी सनराइजर्स का वही हाल था, कुछ नहीं बदला है पिछले सीजन से इस बार में।
हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा उम्मीद ज्यादा थी कि इस बार थोड़ा बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ वो उतरेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। शायद उनका थिंक टैंक जिस तरह सोचता है, राजीव हर एक की अपनी स्ट्रेटजी होती है कि हम मुझे किस तरह के प्लेयर चाहिए, या कई बार ऑक्शन में आप जो प्लेयर्स चाहते हैं वो नहीं मिल पाते। तो अभी हमें समय देना होगा SRH को कि शायद वो बेहतर स्ट्रेटजी के साथ और बेहतर माइंडसेट के साथ और अगले मैच में मैदान में उतरे और सरप्राइज करें बाकी टीमों को, क्योंकि T20 क्रिकेट ऐसा है कि जिसमें दो तीन भी अगर प्लेयर अच्छे हैं आपके पास तो भी आपको वो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं। क्योंकि अगर किसी कोई भी अच्छा प्लेयर अगर से केन विलियमसन ही अगर पूरे 20 ओवर खेलते हैं तो वो कोई भी बड़ा स्कोर चेज कर सकते हैं या एक बड़ा टारगेट सेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट वाले प्लेयर्स नहीं है, ये जरूर मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन हाँ अभी समय देना होगा SRH को। बिल्कुल, और यासर पहले दो नई टीमों का है, अगर हम एनालिसिस करें, लखनऊ भी मैदान पे उतरी, गुजरात लॉयंस ने हालांकि वो मुकाबला जीता, गुजरात टाइटंस की अगर हम बात करें, कैसे आप देखते हैं गुजरात ने जिस तरह से परफॉर्म किया, आपने जैसे पहले कहा कि गेंदबाजी बहुत अच्छी लग रही है, लखनऊ जो बहुत स्ट्रांग टीम थी इस मेगा ऑक्शन के बाद लोग उसको नंबर वन टीम बोल रहे थे, वो अचानक फुस साबित हुई, कैसे आप देखते हैं लखनऊ जिस तरह का बैलेंस खिला रही है? देखिए लखनऊ मेरे ख्याल से बैकफुट पे आ गई जब पहले ही ओवर में KL राहुल आउट हो गए, क्योंकि वो बहुत जान है उनकी बैटिंग की और जिस तरह से उनका फॉर्म था पिछले दो सीजन, उम्मीदें थी कि इस बार भी वैसे ही रन बनेंगे, एक ही मैच हुई है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा फर्क पड़ा राहुल की कैप्टनसी से, क्योंकि एक बड़े ही ट्रिकी सिचुएशन में उन्होंने गेंदबाजी दी एक स्पिनर को जिसकी काफी पिटाई हो गई और मैच जो है वो जीती हुई मैच हारनी पड़ी लखनऊ को। तो यहाँ पर राहुल को ना सिर्फ अपने आप को एज अ बैट्समैन बट एज अ कैप्टन भी प्रूव करना है, और पहला मैच मेरे ख्याल से दोनों ही एज अ बैट्समैन एंड एज अ बैट्समैन वो इतने इंप्रेस नहीं कर पाए। जहां तक गुजरात का सवाल है, मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या ने अच्छी खासी कैप्टनसी भी की, बैटिंग भी अच्छी की, ओवर्स भी डाले, सिलेक्टर्स जो है वो भले ही इतने कुछ विकेट्स नहीं लिए, थोड़ा सा शार्पनेस अभी भी नहीं है, गति थोड़ी सी कम है, लेकिन एक अच्छी बात है कि एज एन ऑलराउंडर वो खेल रहे हैं, अपने आप को पुश कर रहे हैं। और जहां तक मैंने कहा कि उनकी गेंदबाजी में अगर शमी और राशिद कंसिस्टेंटली चलते हैं तो ये मजबूत टीम बन सकती है, और खास करके अगर मैथ्यू वेड टॉप ऑफ द ऑर्डर में अगर रन देते हैं तो बैटिंग भी मजबूत हो सकती है अगर हार्दिक पांड्या रन देते रहे तो। बिल्कुल, लखनऊ टीम की अगर हम बात करें, आपने राजकुमार सर देखा होगा पहला मुकाबला, एक तो कप्तानी में बड़े ब्लंडर करते हैं के राहुल, उनको अगर हम फ्यूचर इंडियन कैप्टन के तौर पर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उनको अपनी कप्तानी में बहुत काम करना पड़ेगा। शमीरा जिन्होंने 3 ओवर में 22 रन दिए, 2 विकेट दिए थे, उनको आखिरी ओवर डलवाया नहीं उन्होंने, वो बहुत ज्यादा चर्चा में था। फिर वो जिस तरह से अपने गेंदबाजों को मार्शल करते हैं वो बड़ा रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक कप्तान का बॉडी लैंग्वेज है कि आप किस तरह के बॉडी लैंग्वेज के साथ जा रहे हैं मैदान पे। कैसे आप एसेस करते हैं लखनऊ जो बहुत स्ट्रांग टीम मानी जा रही थी मेगा ऑक्शन के बाद, सडनली वो ऐसा लग रहा है कि वो भी SRH की तरह कहीं ना साबित हो जो हर मैच आ रही? देखिए ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है अभी भी कि लखनऊ एक शानदार टीम है, अच्छा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है उनका, पहला मैच हार गए हैं, और कई बार ऐसा होता है राजीव कि कप्तान जब खुद जल्दी आउट हो जाता है तो वो एक उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं जल्दी आउट हो गया, मुझे कंट्रीब्यूट करना था, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी लैंग्वेज शायद KL राहुल का हमें देखने को मिला इस मैच में। लेकिन हाँ एक थिंकिंग क्रिकेटर है, बहुत शानदार बल्लेबाज हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो वापसी जरूर करेंगे, और कप्तानी में थोड़ा सा जरूर उन्हें सीखने की जरूरत है, और ग्रेजुअली पहले भी उन्होंने पंजाब की कप्तानी की है और उन्हें आइडिया है, ऐसा नहीं है कि वो नए कप्तान हैं, तो मुझे लगता है कि विद द टाइम ही विल लर्न मोर और आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन होगा लखनऊ का। आया सर अभी तक क्योंकि 5 मैच हुए हैं, 5 मैचों में 10 टीमें मैदान पर, 10 कप्तान मैदान पर, 3 कप्तानों की बात करें जिन्होंने अपने पहले पहले मैच में अच्छा किया आपकी नजर में। देखिए मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर KKR के लिए, उनकी कैप्टनशिप बहुत अच्छी थी और परफॉर्मेंस भी टीम का अच्छा था, जिस तरह से उमेश यादव और अजिंक्य रहाणे जो दोनों इंडिया रिजेक्ट से इंडियन टीम से बाहर है दोनों, वो दोनों ही ने अच्छा परफॉर्म किया, सुनील नारायण उनके ट्रम्प कार्ड है। राजस्थान रॉयल्स के लिए मेरे ख्याल से संजू सैमसन ने इम्प्रेस किया, और मुझे लगता है हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन मुझे इम्प्रेस किया है, हालांकि दिल्ली ने भी बहुत बड़ी मैच जीती, मुंबई को हराना आसान नहीं है, लेकिन वहां आपको देना होगा क्रेडिट अक्षर पटेल को और उनके साथ जो बल्लेबाजी कर रहे थे उनके जो ललित यादव,
ललित यादव वो दोनों ने मैच छीन लिया मुंबई से, लेकिन एज अ कैप्टन अगर मुझे तीन जो प्लेयर्स इंप्रेस किए वो हैं श्रेयस, हार्दिक और संजू। बिल्कुल, इन तीनों प्लेयरों ने कप्तानों ने इंप्रेस किया राजकुमार सर, लेकिन मजेदार बात यह है कि पहले पांच मैचों में ना तो रोहित शर्मा उस लिस्ट में है, ना ही जो भारतीय टीम के लिए एक और होनहार कप्तान माने जा रहे हैं ऋषभ पंत, वो भी रेस में नहीं है। और जो तीन नाम दे रहे हैं यार सर, वाकई बड़े इंटरेस्टिंग नाम है, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर, दोनों ने अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से मार्शल किया। हालांकि बहुत ही अभी इनिशियल है टूर्नामेंट, बट आपको झलक तो मिल ही जाती है कि आप अपनी टीम को कैसे लेके आगे जा रहे हैं। बिल्कुल राजीव, मैं बिल्कुल सहमत हूँ यहाँ आयाज भाई के साथ कि इन तीनों ने बहुत अच्छा बॉडी लैंग्वेज दिखाया, अच्छी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। और मैं साथ साथ यहाँ पर कहूंगा मयंक अग्रवाल भी काफी अच्छी कप्तानी करते हुए दिखे, इन्वॉल्वमेंट उनका भी काफी अच्छा था। तो ये अच्छे हैं, यंगस्टर्स हैं, काफी होमवर्क करके मैदान में उतर रहे हैं। और T20 फॉर्मेट कई बार इतना क्रूअल है कि आप कुछ सोचते हैं और एक ओवर में ही आपको रन पड़ जाते हैं, जैसे RCB के खिलाफ हुआ कि 18वां ओवर में मोहम्मद सिराज 25 रन खा गए, तो उस तरह आपकी स्ट्रेटेजी कई बार खराब हो जाती है, तो उसमें कप्तान बेबस हो जाता है कई बार। लेकिन हाँ, ये अच्छे थिंकिंग क्रिकेटर हैं, अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ ये लोग कप्तानी कर रहे हैं, तो अच्छा फ्यूचर है मैं कहूंगा कि भारतीय क्रिकेट का। तो चलिए आगे फ्यूचर पे बात करेंगे आया, क्योंकि राजकुमार सर ने हिंट दे दिया है, तो फ्यूचर में कौन से यंगस्टर हैं जिन्होंने पहले पांच में मैचों में इंप्रेस किया, क्योंकि बहुत ढेर सारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, 10 टीमें खेल रही हैं इस बार IPL में, और ज्यादातर यंग हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेट के सितारे हैं वो खेलते नजर आए, उनको कैसे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स रेट करते हैं उस पर आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इफ यू लव क्रिकेट लिसन अप, The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun and me, Ashwin, we bring a fun, fresh, fans' point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आया सर और राजकुमार सर हमारे साथ हैं, और आज हम बात कर रहे हैं पहले पांच मैचों के बारे में, एनालिसिस कर रहे हैं हर टीम के बारे में, क्योंकि हर टीम अपना एक एक मुकाबला खेल चुकी है। हालांकि बहुत इनिशियल है अभी IPL सीजन 15 में किसी भी टीम को जज करने के लिए, लेकिन पहली झलक हमें जरूर मिल चुकी है। आया सर, हमने टीमों पर तो बात कर ली, कई ऐसे यंगस्टर्स हैं उनका नाम आ रहा है बड़ी तेजी के साथ। हमारे एक व्यूअर है, उनका कहना है कि क्या तिलक वर्मा, आयुष बदूनी और मनोहर जैसे खिलाड़ी इंडिया के लिए आगे खेल सकते हैं जिन्होंने बड़ा इंप्रेसिव स्टार्ट किया IPL सीजन 15 में? देखिए, मेरे ख्याल से इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है, क्योंकि सबकी निगाहें खासकर सिलेक्टर्स की, कैप्टन राहुल द्रविड़ जो चीफ कोच इंडिया की, सबकी निगाहें होगी इस टूर्नामेंट पे। टैलेंट स्काउट जो है अलग अलग टीम के, वो भी ढूंढ रहे हैं आने वाले सीजन के लिए प्लेयर्स कौन से होते हैं, तो इससे बेहतर मौका नहीं है आप अपने स्किल्स को इजहार करें। और मुझे लगता है जो तीन नाम लिए आपने, खास करके आयुष बदूनी की, वो बहुत ही उनकी जबरदस्त बल्लेबाजी थी, और वो मेरे ख्याल से अब तक के तो ऐसा लग रहा है कि वो फाइंड है। पहले पांच दिनों की अगर आप बात करें तो सबसे इम्प्रेस जो किया है यंगस्टर, वो मेरे ख्याल से लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं, मैच नहीं जिता पाए लेकिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, बहुत मेच्योरिटी के साथ। दीपक हुड्डा ने भी खेला, हालांकि बहुत सीजन क्रिकेटर हैं सर, और गेंदबाजी में भी अच्छा, और जब से इंडियन जर्सी उनको मिली है डिफरेंट दीपक हुड्डा में दिख रहा है कि मैच्योर दीपक हुड्डा हमने देखा इस सीजन में। बेशक, मेरे ख्याल से दीपक हुड्डा जो है पिछले सीजन से ही उन्होंने एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देना शुरू किया है, और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी बात यह है कि आप कंसिस्टेंट रहे। 21 विकेट 50 बना दिए तो फिर ठीक है, आप यू नो उसको आपको उतनी रिकग्निशन मिलेगी, लेकिन आप मैच में अंदर नहीं माने जाएंगे। इस मैच में जो खेले वो एक हाफ सेंचुरी भी बनाई, विकेट्स भी उठाए उन्होंने, तो ओवरऑल जो आप पिक्चर देखते हैं दीपक हुड्डा का, जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, वो उन्होंने उसको यूज किया और एक बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस दिया है। पर जैसे दूसरे प्लेयर्स की हमने बात की, वो एक्चुअली यंगस्टर नहीं है इतने, अब तो उनके लिए ये इंडियन टीम के भी स्क्वाड में आना शुरू हो गए, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप कंसिस्टेंसी दिखाएं ताकि आपकी जगह बनी रहे टीम में। जी, एक सवाल आ गया है मिस सोनी जी का, इनका पूछना क्या है, SRH को एग्रेसिव कैप्टन चाहिए आया सर, आपको लगता है? ये कहना मुश्किल है क्योंकि विलियमसन की अगर इससे पहले डेविड वॉर्नर थे वो तो बहुत एग्रेसिव थे, अब केन विलियमसन आए वो उतने ही शांत है। मेरे ख्याल से कई एक तरह से ऐसा लग रहा है कि कोई खड्डे में गिर गई है SRH। पिछले साल जो कॉन्ट्रोवर्सीज हुई,
डेविड वार्नर को लेके कैप्टनसी यहाँ से वहां बदला हुआ उसका, विलियमसन खुद जो है कंसिस्टेंटली इतना खेल नहीं रही, ना वो न्यूजीलैंड के लिए इतना खेले तो अगर आप इंजरीज उनको काफी हुई है और जो उनके जो मेरे ख्याल से एक जो फ्लो था एसआरएच का दो या तीन सीजन पहले जो मैदान पर उतरते थे एक लगता था कि फाइटिंग यूनिट है, वो नजर नहीं आ रहा है। अब उन्होंने जो प्लेयर्स रिटेन भी किए हैं अब्दुल समद, उमरान मलिक, बहुत यंग प्लेयर्स हैं और पूरा टूर्नामेंट उनके कंधों पर जीतने की कोशिश करना वो भी मेरे ख्याल से इतना रियलिस्टिक नहीं है। और सब पूरा बहुत जबरदस्त दावा लगाया उन्होंने निकोलस पूरन पर, अगर पूरन चलते हैं तो नो डाउट वो मैच विनिंग बैट्समैन है, लेकिन पिछले दो तीन साल हमने देखा है खास करके आईपीएल में बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहे हैं। तो अनलेस अगर उनका परफॉर्मेंस सुधरा तो फिर ठीक है, वरना मुझे लगता है कि टीम फंसी हुई है बुरी तरह से बैटिंग में। बिल्कुल अया सर, एक बल्लेबाज का जिक्र नहीं, बहुत छोटी सी पारी उन्होंने खेली मुंबई इंडियंस के लिए, तिलक वर्मा। अब जिस अप्रोच के साथ वो बैटिंग करने आए, जो उनका शॉर्ट सिलेक्शन था, वो बहुत ही कम से कम बीइंग अ लेफ्ट हैंडर मुझे बहुत इंप्रेस कर गया, और मैं चाहता हूँ कि उनको थोड़ी ज्यादा गेंदें मिले और वो हम देख पाए कि उनका और रेंज कितना है, क्योंकि मुझे बहुत ही प्रॉमिसिंग बैट्समैन लगे। आप कैसे देखते हैं उनकी वो छोटी 27-28 रन की पारी जो खेली उन्होंने? बेशक मेरे ख्याल से बहुत ही इम्प्रेसिव एक कैमियो परफॉर्मेंस था, लेकिन ये है कि आप उनसे निगाहें नहीं हटा सकते थे जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, तो ये बताता है कि उनमें बहुत ही जबरदस्त पोटेंशियल है। अब ये है देखें इंडिया में क्योंकि आईपीएल है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, यंगस्टर्स जो आ रहे हैं उनको बहुत कुछ देखने मिल रहा है, बहुत अर्ली सीखने मिल रहा है, और हर कोई अब जानता है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मैच विनिंग इम्पैक्ट करना होगा। आप 70-80 बनाए और मैच नहीं जिता पाए तो उसके कोई मायने नहीं रहते। आजकल हर टीम जो है आईपीएल में हो या इंडिया वर्ल्ड T20 स्क्वाड में जाना हो आपको, या किसी भी ओडीआई में जाना है, टेस्ट में जाना है, प्लेयर्स कैप्टन सिलेक्टर्स और कोच ये चाहते हैं कि आप भले ही 50 रन बनाए, 40-48 बनाए टेस्ट मैच में, उसका इम्पैक्ट क्या है अल्टीमेट नतीजे पे, और अगर वो आप मैच जिता सकते हैं तो फिर आप आपकी जगह बनती है, पर लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते हैं मैच जिताने की तो फिर बहुत से कॉम्पिटिटर्स है आपके लिए, एक जगह के लिए 4-4, 5-5 प्लेयर्स है, तो उनके पास उनके आगे बढ़ना इतना ईजी नहीं है। पहले 5 मैचों में ढेर सारे यंगस्टर्स को मौका मिला, क्या आपको लगता है आयुष बदुनी हो, मनोहर ने जिस तरह से बैटिंग की, तिलक वर्मा ने जिस तरह का स्टार्ट दिया, ये यंगस्टर्स आगे आने वाले टाइम में चमक सकते हैं और बड़ा प्रॉमिस है इनके अंदर जिस तरह से आपने देखा होगा? बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है बदोनी का, खासकर मैं कहूंगा बहुत ही ब्रिलियंट बल्लेबाजी की उन्होंने, साथ साथ उनके मैं एक और नाम लेना चाहूंगा अनुज रावत का, जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया है आरसीबी के लिए वो बहुत ही ब्रिलियंट था और बहुत पॉजिटिव बल्लेबाजी कर रहे थे वो भी। तो ये 3-4 अभी हमने यंगस्टर्स देखे हैं जो बहुत अच्छा जिनका फ्यूचर है, और अगर कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करेंगे तो वो जरूर आगे आने वाले समय में अपना दावा पेश कर सकते हैं। और बल्लेबाजी में खासकर अगर हम देखें तो ये यंगस्टर्स काफी अच्छा कर रहे हैं, अभी गेंदबाजी में मुझे कोई ऐसा यंगस्टर नहीं नजर आया जो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा हो। लेकिन गेंदबाजी में कल रिकॉर्ड तो बनाई दिया उमरान मलिक ने, राजकुमार सर 150 प्लस उन्होंने की स्पीड से गेंदबाजी की है, इस तरह के तेज गेंदबाजों को आप हैंडल कैसे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बीइंग अ कैप्टन या बीइंग अ टीम मैनेजमेंट, कैसे आप देखें ना इस तरह के रॉ पेस को? बहुत अच्छी बात है राजीव, ऐसा पेस मिलना भी बहुत मुश्किल होता है और वो एक बहुत अच्छा फ्यूचर है वो, अब उनको कैसे आप संभालते हैं, कैसे आप उनको ट्रीट करते हैं आगे आने वाले समय में, वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ग्रूमिंग की बहुत जरूरत है और ऐसे प्लेयर्स को मेरा मानना है कि एनसीए में भेज देना चाहिए और वहां पे उनको ग्रूम किया जाए, क्योंकि 150 की स्पीड वाले बॉलर्स बहुत मुश्किल से और बहुत कम ही मिलते हैं, और स्पेशली इंडिया में अगर आप देखें तो बहुत समय बाद ऐसा कोई बॉलर आया है जो 150 डालता हो। दो इंडिया के पास अच्छी पेस बैटरी हो गई है अभी पिछले 3-4 साल से, जहाँ पे सब लोग 140 प्लस डाल रहे हैं, लेकिन एक यंगस्टर अगर 150 डाल रहा है तो अगर उस पे और काम किया जाएगा तो वो और तेज भी हो सकता है और बेहतर गेंदबाजी वो करेगा, तो जरूरत है ऐसे प्लेयर को संभाल के रखने की, और मेरा मानना है कि एनसीए शायद सबसे अच्छी जगह है ऐसे प्लेयर के लिए। बिल्कुल, और उमरान मलिक के साथ साथ मेरे लिए आया सर आप बात अपनी पूरी कीजिएगा, मैं उसी में एड ऑन कर रहा हूँ कि तेज गेंदबाजों ने जिस तरह से पहले 5 मैच में किया, प्रसिद्ध कृष्णा का जो स्पेल कल मैंने देखा, इतना हॉस्टाइल स्पेल, इतना तेज और सीम मूवमेंट के, और कमाल का उनका बॉलिंग एक्शन है, रनअप है,
क्या इस तरह के गेंदबाज आपको एक तरह से कहा जाए अपना दावा पेश कर रहे हैं बार बार कि आप हमें कंसिस्टेंट इंडियन टीम में खिलाएं, प्रसिद्ध कृष्णा हो या अरमान मलिक, तो चलिए अभी रॉ पेस है, कैसे आप देखते हैं हमारे पेस बॉलर्स को? कुछ की पिटाई हुई है पहले 5 मैचों में, कुछ ने बहुत ही तगड़ी गेंदबाजी कर दी है। ये दो आपने जो नाम लिए प्रसिद्ध कृष्णा और उमरान मलिक, दोनों ही बहुत ही होनहार है। प्रसिद्ध कृष्णा तो हमने देखा इंडियन टीम के लिए भी खेले हुए हैं, कद का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, टॉल है, स्विंग कराते हैं गेंद को और शॉर्ट बॉल भी बहुत अच्छी डालते हैं। और उमरान मलिक के पास पेस है, कुछ हद तक मुझे ये रिमाइंड करते हैं पाकिस्तान के नए गेंदबाज नसीम शाह, जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं। हालांकि नसीम शाह जो है वो स्विंग ज्यादा करवाते हैं, रिवर्स स्विंग भी करते हैं, लेकिन उमरान के पास पेस है। और मेरी बात हो रही थी रवि शास्त्री की, क्योंकि उमरान मलिक जो है जब वर्ल्ड T20 हुई थी दुबई में या UAE में, वहां पर वो एज अ नेट बॉलर चुने गए थे, और शास्त्री का बोलना था कि सब बल्लेबाजों को उन्होंने बैकफुट पे रखा था, इतना उनका पेस था। तो ये है, लेकिन देखिए पेस जो है आपको एक हद तक आगे लेके जा सकता है, लेकिन उसके बाद आपको स्किल्स भी डेवलप करने पड़ते हैं, और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस तरह से आपके कैप्टन हैंडल करते हैं। वो लकी है कि उनके पास केन विलियमसन जैसा कैप्टन है, विलियमसन के हम जानते हैं कि उनके पास कैसे गेंदबाज रहे हैं, बोल्ट, साउथी, वैगनर, काइली जेमिसन, तो वो जानते हैं किस तरह से यंग टैलेंट को आगे बढ़ाना तेज गेंदबाजों को। लेकिन एक प्लेयर पे भी डिपेंड करता है कि आप खुद अपने आप कितना इन्वॉल्व होते हैं। ये अच्छी बात है कि उनके उनको सनराइजर्स हैदराबाद ने रिटेन किया था, यानी कि आप पूरा सीजन खेल सकते हैं, लेकिन पूरा सीजन खेलने के बाद कुछ बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए कि मैंने भी कुछ दिया है फ्रेंचाइज को भी और सिलेक्ट जो जो अपने आप को भी, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जैसे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, इंडिया में आजकल कॉम्पिटिशन इतना है कि कोई यंगस्टर जो है अपनी जगह जो ये नहीं कह सकता कि मेरी जगह फिक्स है। जी बिल्कुल, और दो चैंपियन टीमों को पहले पहले मैच में खेलते देखा राजकुमार सर आपने, चेन्नई और मुंबई, और दोनों ही अपना पहला मुकाबला हार गई, अभी इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए थोड़ा सा इस पर मुझे कंसर्न है इन दोनों टीमों को लेके, क्योंकि इनके की प्लेयर्स चले गए हैं और कहीं ना कहीं नए कॉम्बिनेशन के साथ ये लोग उतर रहे हैं, जैसे मुंबई ट्रेंट बोल्ट को मिस करेगी या चेन्नई ने भी अपने एक दो जो मेजर प्लेयर हैं वो खो दिए हैं, तो कहीं ना कहीं नया कॉम्बिनेशन एक बनाना होगा। लेकिन क्योंकि थिंक टैंक अच्छा है इनका और फैकल्टी इनकी काफी अच्छी है, तो मुझे आशा है कि ये लोग बाउंस बैक जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस साइड है ये और अच्छे इनके पास सपोर्ट स्टाफ है और प्लेयर्स तो अच्छे हैं ही, क्योंकि काफी होमवर्क करके ये लोग अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं। जी अया सर, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल प्रियांशु शर्मा ने पूछा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो रोहित शर्मा एज अ कैप्टन अपना आखिरी IPL खेल रहे हैं, विराट ने छोड़ा, धोनी ने छोड़ा, अब क्या एक और लेजेंड कप्तान IPL छोड़ेंगे? ये तो सीजन के एंड पे पता चलेगा, दूसरा सीजन आने वाले सीजन में देखना पड़ेगा, लेकिन इतना बड़ा सक्सेसफुल रिकॉर्ड है, अगर छोड़े भी तो बहुत जबरदस्त लेगेसी छोड़ के जाएंगे और इतना आसान नहीं होगा जो भी कैप्टन बनेगा। शायद अगर ये बात सही है तो मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह बन सकते हैं कैप्टन, क्योंकि वो भी बहुत सूर्य कुमार यादव का नाम आ रहा है सर, बहुत ज्यादा सूर्य कुमार यादव भी है, वो भी कैप्टन बन सकते हैं। मुझे देखें जो आप बात कर रहे थे चेन्नई और मुंबई इंडियंस की, चेन्नई कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि थोड़ा अंडर यानी थोड़ी सी कमजोर टीम थी, क्योंकि ना मोइन अली है खेले ना दीपक चहर से, ये दोनों प्लेयर अगर आते हैं तो टीम काफी मजबूत हो जाती है। मुंबई इंडियंस के लिए एक सवाल बहुत बड़ा उठा, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह जो हमेशा जो है एक तरह से भय पैदा कर देते हैं बल्लेबाजों में, खास करके डेथ ओवर्स में उनकी अच्छी खासी पिटाई हुई दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों के द्वारा, तो ये एक प्रॉब्लम बन सकता है अगर एक तरह से वो डर उड़ गया बुमराह का, ना सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन के लिए लेकिन बाकी जो फ्रेंचाइज है जो प्लेयर्स खेल रहे हैं दूसरी टीम्स के लिए भी, वो भी इस तरह से सेल्फ बिलीफ पैदा करेंगे कि हम बुमराह को जो है 18वें या 17वें या 20वें ओवर में हम 15-16 रन मार सकते हैं, तो फिर मुंबई के लिए बहुत प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं आगे चलते हुए टूर्नामेंट में। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे जो तमाम दर्शक और व्यूवर्स थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमेशा कहते हैं कि हर सफर का एक रास्ता होता है और रास्ते की एक मंजिल होती है, अब IPL का सफर शुरू हो चुका है, रास्ते पे टीमें चलना शुरू हो चुकी है, अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जो पड़ाव आते जाएंगे यानी कि जो चौराहे आते जाएंगे कौन सी टीम वहां पर ज्यादा देर रुककर आराम करती है और कौन सी टीम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती है, इस पर हम लगातार अपनी नजर बना के रखेंगे। तो जुड़िए खेल नीति के साथ रोज सुबह
9:30 पर खेलनी थी के यूट्यूब चैनल और IBM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @RajivMish मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेलनी थी का एपिसोड आप सुन सकते हैं IBM ऐप पर, IBMPodcast.com पर, गाना, स्पोटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IBM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IBM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun talks to Pallavi Uthagi of Superbottoms and Mamta Roy of Odette Style. They reveal how they built their respective businesses completely online. On Postcards from Nowhere, Utsav tells us the story of Nutmeg and how it became the world's most violent spice. On Big Talk About Tiny Humans, Devi Shobha and Meghna share strategies on how one can balance screen time and family time. On Hansvani, hear the story Koi Parichit. It reflects India's belief in humanity and the unanimity it showed in the face of the COVID-19 pandemic. On Tere Mere Raaste, Keshav takes us to Jaisalmer, a city where sand, sandstone and water come together to weave a magical story of valor and view. Do follow us on social media. We're IBM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. Also, remember, we're on YouTube. You can check us out on ivmpodcast.com/YouTube and get a list of all the YouTube channels we have active at this point. I'd also like to make a quick note that we're doing a small listener survey and it would really help us if you could fill that out. You can go to ivmpodcast.com/survey. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance and India Water Portal. Thank you so much for making this possible. जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने अपने करियर की सीढ़ियाँ चढ़ी थी, वैसे आज के जमाने में तो पॉसिबल है ही नहीं गुरु, क्योंकि हमारा जमाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आज क्या नहीं है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया है, इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है कि करियर का टेंशन ज्यादा होता है, उस पर काम कम। टेंशन लेने से कोई फायदा तो है नहीं, क्या करते हैं, ठंडे दिमाग से सुनते हैं प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट को हर सोमवार, जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होती हैं आपके करियर की। और कौन करता है वो, मैं आपका होस्ट अभिनव त्रिवेदी। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IBM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।